गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस इज परवेज खान नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम अ नेशंस स्ट्रेंथ डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है अ नेशंस स्ट्रेंथ का एक राष्ट्र की ताकत क्या होती है अ नेशन स्ट्रेंथ तो पोएट ने इसमें ये बताया है इस पोएम के अंदर कि एक राष्ट्र की ताकत क्या होती है इसको बताने के लिए सबसे पहले पोएट क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वॉट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई ऐसी क्या चीज़ है जो नेशंस के राष्ट्र के प्लर्स को हाई करता है या उसको हाई का मतलब मजबूत करता है एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग और इसकी जो फाउंडेशंस हैं यानी बुनियादें हैं उसको मजबूत करता है ऐसी क्या चीज़ है ये पूछ रहा है इन दो लाइन्स में पोएट खुद ही क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वॉट मेक्स इट माइटी टू डिफाई क्या ऐसी चीज है जो राष्ट्र को ताकत ताकतवर बनाती है टू डिफाई चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो सामने चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करने के लिए एक राष्ट्र को ताकतवर बनाती है ऐसी क्या चीज़ है द फोर्स दैट राउंड इट थ्रोंग यानी कि जो दुश्मन फोर्स मीन्स यहाँ दुश्मन है दुश्मन जो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं थ्रोंग मीन्स है गैदर्ड चारों तरफ इकट्ठे हो जाना ठीक है चारों तरफ से जब दुश्मन घेर लेते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको पावरफुल बनाती है माइटी बनाती है ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए तो इन चार लाइंस में इस ये जो स्टेंजा है, चार लाइन का, इसमें ये ने क्वेश्चन किया है खुद ही सवाल पूछा है। कि ऐसी क्या चीजें हैं okay. तो डियर स्टूडेंट्स ये पोर्ट कह रहा है इट इज नॉट गोल्ड देश जो मजबूत होता है वो सोने चांदी से या माल से मजबूत नहीं होता इट्स किंगडम्स ग्रांड गो डाउन इन बैटल शॉक अगर देश के अंदर बहुत माल है तो एक लड़ाई एक बैटल शॉक सारे माल को खत्म कर देता है और एक ही लड़ाई में सारा जो किंगडम है उस उसके अंदर जो कुछ होता है वो खत्म हो जाता है तो पोएट अगली लाइंस में ये जो दो लाइंस हैं ये वाली इनमें कह रहा है कि भाई देश जो है वो माल से भी मजबूत नहीं होता ठीक है इट्स शार्फ्ट आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड शार्ट का मतलब यहाँ पिलर्स ही है यानी यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि देशी है शाफ्ट का मतलब इट्स शार्फ्ट यानी इसकी जो हैं, इसके जो पिलर्स हैं या कॉलम्स हैं वो क्या हो जाता है वो तो एक ही लड़ाई में सिंकिंग सैंड रेत में डूब जाते हैं खत्म हो जाते हैं बिल्कुल नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक माल पत्थर की तरह मजबूत नहीं होता वो भी माली हैसियत अगर किसी देश की माली हैसियत होती है तो वो भी खत्म हो जाती है इन लाइंस में पोइट ने ये कहा है तो ये चार ऊपर वाला स्टेंडा हो गया और ये नीचे वाला स्टेंडा हो गया अब इस अगला देखते हैं अब देखिए इन चार लाइन में देखते हैं इज इट द सोर्ड इन लाइन्स में कह रहा है पोइट क्या ये तलवार है यानी कि तलवार से मतलब यहाँ पर क्या है यहाँ मीन है क्या ये ताकत है ताकत की बुनियाद पे देश मजबूत होता है कि उसके पास बहुत ताकत हो आस्क द रेड डस्ट ऑफ अम्पायर्स पास्ड अवे अगर ऐसा है तो उन अम्पायर से पूछिए जो पास्ड अवे हो गए और जो धूल है उनके खून से रेड हो गई आस्क द रेड डस्ट उस लाल डस्ट खून में सनी हुई धूल से पूछिए और वो जो अम्पायर्स थे वो इस धूल में मिल गए तो क्या ताकत से देश मज़बूत होता है द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट उनका ब्लड जो है वो स्टोन्स पे गिरा गिर के और उसको रस्टी कर रहा है दे आर ग्लोरी टू डिके और उनकी जो चमक दमक थी टू डिके सब खत्म हो गई सब मिट्टी में मिल गई ख़त्म हो गई वो सड़ गई और आगे डियर स्टूडेंट फिर क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है पोएट की तरफ से एंड इज इट प्राइड क्या ये गौरव है क्या ये फक्र है बहुत सारे लोग घमंड करते हैं क्या ये घमंड है किसी को किसी चीज़ पे घमंड होता है एज आह ah. अब यहाँ पोएट क्या कर रहा है यानी कि एक साई आह ah, खींच रहा है दैट ब्राइट क्राउन हैज सीम टू नेशन स्वीट यानी वो जो चमकीले क्राउन थे जो ताज थे जिनके जरिए से नेशन स्वीट नज़र आता था लेकिन क्या हुआ बट गॉड हैज़ स्ट्रक जो घमंडी कुछ लोग थे और वो बहुत ज़्यादा गुरूर और घमंड करते थे तो क्या करा गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर गॉड ने खुदा ने उनकी सारी चमक दमक को डाउन नीचे कर दिया ख़त्म कर दिया इन ऐशेज़ और राख में बदल दिया एन एट हिज फीट और वो सब राख में बदल गए गॉड ने उनको धूल में मिला दिया ख़त्म कर दिया तो ये छः लाइन का जो तीन स्टेंजा है पहला दूसरा तीसरा इनका जो है एक्सप्लेनेशन अब आगे देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आगे क्या बता रहे नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग कहा कि सोने से या माल से नहीं इन सारी चीजों से नहीं एक देश मजबूत होता है बल्कि किससे होता है सिर्फ इंसान है कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रोंग यानी इंसान ही मिलकर आ, देश को राष्ट्र को स्ट्रोंग बनाते हैं मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक यानी कि जो सच्चाई के ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग और जो तकलीफें भूखे रहते हैं प्यासे रहते हैं सफ़र परेशानियाँ उठाते हैं अपने राष्ट्र के लिए काफ़ी दिनों तक ऐसे लोग ऐसे लोगों की वजह से राष्ट्र मजबूत बनता है ब्रेव मैन हु वर्क वाइल्ड अदर स्लीप ऐसे बहादुर लोग जो काम करते हैं उस वक्त जब सब लोग सोते हैं हु डेयर वाइल्ड अदर्स फ्लाई और जब यानी कि कोई मुसीबत आ पड़े या परेशानी आ पड़े तो वो हिम्मत से डट जाते हैं और जब Uh, यानी कि बाकी लोग भाग जाते हैं तो वो हिम्मत से डर जा डट जाते हैं उस जगह पर उनकी वजह से देश मजबूत होता है दे बिल्ड आ नेशंस पिलर्स डीप ऐसे लोग ही नेशंस राष्ट्र के पिलर्स को डीप गहरे मजबूत कर देते हैं एंड लिफ्ट दैम टू द स्काई और अपने देश को उठा के नीचे से ज़मीन से आसमान तक ले जाते हैं यहाँ पे मतलब ये है ओके डियर स्टूडेंट्स गुड बाय अल्लाह हाफिज़